तो हेलो भाई, कैसे आप सब लोग। मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर की, और ये टॉप वेरिएंट है 2018 मॉडल, 4x4 में डीजल में आते थे भाई ये, अब भी आता ही है। अभी इन्होंने फेसलिफ्ट कर दिया, तो बाहर उन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं और एक दो फीचर और ऐड किए हैं, तो उस जो फेसलिफ्ट किया उसकी भी वीडियो बनाएंगे। पर अभी जो 2018 में क्या क्या फीचर ऑफर करती थी उसकी बात करेंगे। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रही, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते भाई गाड़ी की, तो फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में क्या क्या ऑफर करती थी, फ्रंट में देख सकते हैं पूरा बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलता है, और यहाँ भी इतना ज्यादा क्रोम का यूज कर रहे हैं। अब तो इन्होंने फेस लिफ्ट में पूरा ब्लैक ग्रिल कर दिया, तो उससे काफी बढ़िया लुक आती है। और हेडलाइट्स की बात करें ना, तो फुल LED हेडलाइट्स मिलती है, बाई बीम LED, तो मतलब इसी में है, हाई बीम और लो बीम दोनों इसी में, और काफी ब्राइट लाइट है। यहाँ पे DRL मिल जाते हैं, और नीचे फोग लैंप है, नीचे भी ये क्रोम से सराउंडेड है। मतलब फ्रंट से तो काफ़ी बोल्ड लुक है उसके, थोड़े शार्प लुक, और एंडेवर के ना थोड़े मतलब वो थोड़ी राउंड लुक में आती है, ये थोड़ी एजी टाइप में। साइड लुक से देख सकते हो कितनी लंबी है, और काफ़ी यूज सी लगती है। टायर साइज ये 4x4 में, 4x4 में इसमें इस टाइप के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, और इसके टायर साइज है 265/60 R18 मतलब 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें टॉप मॉडल है। तो और इससे जो छोटे वेरियंट्स में जाओगे ना, उसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, और उनका डिजाइन भी अलग है। तो भाई लुक्स देखो फ्रंट में, और ये जो क्रोम लाइन जा रही है ना, ये ऑल अराउंड यहाँ से जाके पीछे जाके फिर आगे आ जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया टच लगता है। ये पूरा ग्लास एरिया है, ऊपर रूफ रेल्स है, और गाड़ी काफ़ी ऊंची है, ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है, ये SUV है। अब रियर लुक से ज़्यादा बढ़िया लगती है, और पीछे ये पूरी LED इसकी टेल लाइट्स है। ये जो इंडिकेटर है ना, ये इसके अलग है ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा फॉर्चुनर लिख रखा है, ऊपर ये वाइपर और डिफोगर मिल जाता है, ये इसका सार्फिन एंटीना, इसमें सनरूफ नहीं मिलती भाई, एंडेवर ऑफर करती है। ये सिग्मा 4 की बैजिंग है, 4x4 है, तो पावर टेल गेट है इसकी, खुद ही ओपन हो जाएगी भाई। इतना कुछ इसमें बूट स्पेस है, तब अगर हम सीट अप कर देंगे तो इतना कुछ बूट स्पेस बचेगा, सीट फोल्ड ऐसे रख देंगे तो इतना, और इनका ऊपर भी यहाँ पे टक कर सकते हैं, तो उसके बाद तो काफ़ी बूट स्पेस बन जाएगा। और भाई एंडेवर में ना इसे बढ़िया लगता है, यहाँ पे दो बटन दे रखे हैं, उनको दबाओ सीट फुली फ्लैट फोल्ड हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा बूट स्पेस बन जाता है। और यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो भाई अब आगे चलते हैं, और आगे के अंदर के फीचर्स दिखाते हैं मैं आपको। पहले की बात करते हैं भाई, ऐसी इसकी की मिल जाती है, लोक अनलॉक और इसको होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ पे पीछे फॉर्च्यूनर का लोगो है, तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है लोक अनलॉक करने के लिए। डोर से इसके भी हैवी फील हो रहा है काफ़ी, तो यहाँ पे इसका पूरा लेदर का यूज़ कर रखा है, इसमें ब्राउन कलर का लेदर है इसमें, इंटीरियर इसका ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में। अभी जो फेस लिफ्ट कर रखे उन्होंने ऑल ब्लैक इंटीरियर्स कर दिए, और जो लेदर है उसमें भाई थोड़ा अलग लेदर का यूज़ कर रखा है। तो आप डोर देख सकते हो, प्रीमियम लुक तो है इसकी, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ कर रखा है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, और ये इसके हैं डोर हैंडल्स। मतलब टच एंड फील में ना, सही बताऊँ तो एंडेवर ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, वैसे इसकी भी जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब देखो अंदर से, ये ड्राइवर साइड सीट है, ये भी पूरे फुल लेदर राइट सीट है, और ये पावरली एडजस्टेबल है, पावर एडजस्टेबल है, देख सकते हो आप। अंदर बैठ के बात करते भाई, ये ऐसा इसका कुछ इंटीरियर भाई। डैशबोर्ड की लेंथ देखो आप, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है इतनी ना, कुछ ऐसा ऊंचा ऊंचा बैठा तो फील होता है, पूरा बोनर दिखता है, विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है गाड़ी में। ये देखो यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, इस साइड ये पावर डोर ऑफ करने के लिए, मतलब टेल गेट ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से टेल गेट ओपन यहाँ से कर सकते हैं, ये सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए है। मतलब गाड़ी लुक वाइज तो काफ़ी बढ़िया है, पर कंफर्ट लेवल में ना थोड़ी सी पीछे रह जाती है, मतलब वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, और मतलब जो तो सस्पेंशन है ना वो थोड़े स्टिफ है, तो आपको थोड़ी वो ये दचकियाँ महसूस होंगी। और ये इसकी दूसरी को ड्राइवर सीट है, ये ना पावरली एडजस्टेबल नहीं है, तो इसके बाद आते थे ना मॉडल उनमें पावर एडजस्टेबल ये को ड्राइवर सीट ही मिल जाती थी। यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा है, इसको प्रेस करेंगे तो ग्लोव बॉक्स है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, ये भी नीचे वाला कूल्ड नहीं है, इसमें स्पेस है इतना कुछ। वही इसको ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ फिर आपको मैं, ये देखो ऐसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यो चालू करते तो बीच में ये फॉर्च्यूनर का लोगो आता है, तो वही ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है ये। और इस साइड RPM मीटर है, इस साइड इसका स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल जाती है, और ऐसा इसका स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे ना कुछ वुडन फिनिश है, ये फिनिश काफ़ी बढ़िया लगती है, पर ये देखो वुड मतलब ख़राब हो जाती है टाइम के हिसाब से ना, तो ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जो मटेरियल यूज़ कर रखा है ना
उनकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करें, खराब ना हो, देख रहे हो। तो भाई लेदर ऑफ स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज कर रखा है। इस साइड ही कंट्रोल से पूरे इन्फोटेनमेंट के, इस साइड एम आई डी के कंट्रोल से, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है इसका, ये रहा। इस साइड लाइट्स के कंट्रोल है, इस साइड वाइपर्स के, और पैडल शिफ्टर से मिल जाते हैं, ये तो काफ़ी बढ़िया है भाई। ऑटोमेटिक एसी है, फुल टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, पर ये वो ये बात है भाई, 45 मतलब उतने की 35 लाख की आई थी, मतलब 2018 में 35-36 लाख की गाड़ी आई थी। एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले नहीं है भाई इसमें, मतलब वो ये भाई इतनी महंगी गाड़ी और ये फंक्शंस मिस कर देती है टोयोटा, यार कुछ तो करो। पर अभी इन्होंने वो ये फेसलिफ्ट में कर दिया, इन्होंने डाल दिया एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले और ये स्क्रीन चेंज कर दी। और भाई ये इसका ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स 6 स्पीड टोर कन्वर्टर है भाई ये, मतलब काफ़ी स्मूथ गेयरबॉक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गेयर चेंज कर लेगा ये। और इसको हम ऐसे क्लोज कर सकते हो, वुडन फिनिश का यूज़ कर रखा है, मतलब प्रीमियम तो लगती है पर हाँ एंडेवर से नीचे प्रीमियमनेस में, प्रीमियमनेस में लग्जरी में फीचर्स में भाई एंडेवर बहुत बढ़िया थी इससे, पर अब तो गई भाई वो ये फोर्ड, बढ़िया गाड़ी थी यार एंडेवर। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, ऊपर लाइट्स मिल जाती है, सनरूफ कोई आता पता नहीं, इसमें सनरूफ भी नहीं है। ये देखो पीछे ऐसी कुछ सीट्स मिल जाती है, इसमें फुल लेदर सीट्स है। पीछे का कंफर्ट बताऊँ ना सही, तो इतनी कंफर्टेबल सीट्स ने, बहुत अच्छी महसूस होती है इसमें। और वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशन बहुत है, अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो देखना वाइब्रेशंस, ये देख रहे हो कितनी हिली गाड़ी, मतलब यूँ यूँ हिलती स्टार्ट होती है। और आवाज़ देखो इंजन की कितना अंदर कितनी आ रही है, इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है, मतलब तो इन्होंने पावर बढ़ा दी, अभी 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है, पर तब पावर कम थी, तब प्रोड्यूस करता था ये 174 bhp और 420 Nm का टॉर्क। तो और अब तो भाई इन्होंने काफ़ी पावर बढ़ा दिया, अब ये प्रोड्यूस करता है 205 bhp और 500 Nm का टॉर्क, मतलब अब तो अपने सेगमेंट में ना सबसे पावरफुल गाड़ी है फॉर्चुनर। और भाई यहाँ पे इसके मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो इको मोड आ रहा है, इसको एक बार और प्रेस कर देंगे हम नॉर्मल, अब ये इको एक बार और प्रेस करेंगे पावर मोड का तो पावर मोड आ जाए, यहाँ पे लिखा पावर मोड में फुल पावर अपने डिलीवर करती है और काफ़ी बढ़िया पिकअप दिखाती है। यहाँ पे इसके ट्रैक्शन कंट्रोल ही है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन करने के लिए। भाई ये है इसका 4x4 का लीवर, ये मतलब H2i में ये 4i और ये लो 4 लो, तो मैं ऐसे इसको 4 लो में लगा देंगे तो यहाँ पे देखो 4 लो लिखा आ जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगते हैं भाई ये, मतलब यहाँ पे DAC है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल है। तो फीचर वाइज तो इसमें फीचर की तो कोई कमी नहीं है, पर भाई कंफर्ट वाइज इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक डिमिंग आयर भी है, इसकी सर्विस भी, सर्विस कॉस्ट इसकी आती है स्विफ्ट के बराबर में आ जाती है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है और स्विफ्ट की जितनी सर्विस कॉस्ट आ रही है तो भाई मार्केट में तो आएगी भाई इसकी, तो भाई गाड़ी तो काफी बढ़िया और इनका एक्सपीरियंस भी। भाई माइलेज कितनी दे देती होगी भाई? माइलेज ये दे देती है 10-11 के आसपास की, 10-11 के आसपास भाई, जिसमें मैं MID में वही दिखा रहे भाई 10-11 दिखा रही है, तो एवरेज तो ठीक ठाक ही देती है, इतनी बड़ी गाड़ी है भाई, ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इससे। भाई रीसेल वैल्यू तो आई भाई टोयोटा गाड़ियों की सबकी, तो भाई ऐसी है ओवरऑल 2018 की टोयोटा फॉर्चुनर, मतलब कंफर्ट लेवल में थोड़ी और बढ़िया इंप्रूव कर देना, प्रीमियम ने ऐसा डाल दी इसमें एंडेवर जितनी, तो भाई इस गाड़ी को और कोई मुकाबला नहीं, पर वही बात है अभी सबसे ज्यादा यही बिक रही है। तो भाई ऐसी थी टोयोटा फॉर्च्यूनर 2018 मॉडल 4x4। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते अगली वीडियो में भाई।